हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। देखिएगा, लड़कों से संबंधित कुछ, देखिएगा जो हरियाणा के क्लरिकल कैडर हैं वो पिछले एक महीने से ज़्यादा हो गया 5 जुलाई से प्रोटेस्ट की राह पे हैं। 35,400 बेसिक की मांग है, 19,900 भी उनको मिल रहा है। देखिएगा 13 जुलाई 21 जुलाई 26 और 10 अगस्त को बैठकें सरकार के साथ लिपिकों की हो चुकी हैं, हरियाणा क्लर्क की हो चुकी हैं। पहले 21,700 दिन, उसके बाद 25,000 रुपये बेसिक देने की हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा पेशकश की गई, लेकिन वहां के जो क्लर्क्स हैं वो डटे रहे, बोले कि हम नहीं हटेंगे। दिन उसके बाद माननीय CM ऑफ हरियाणा का एक वीडियो सामने आता है, उन्होंने बोला कि हम 16 या 17 अगस्त या 18 अगस्त तक हम जो भी क्लर्क्स हैं उनकी मांगें हम पूरी कर देंगे। तो देखिएगा ये आश्वासन दिया गया, इसके बाद भी हरियाणा के जो क्लर्क्स हैं वो अभी प्रोटेस्ट तब तक ही घटा रहे हैं जब तक कि ऐसा ऑर्डर या ऐसी सांत्वना आधिकारिक तौर पे न मिल जाए। तो बाय द वे 18 अगस्त तक आप देखेंगे 3-4 दिन के अंदर ही जो क्लर्क्स ऑफ हरियाणा है उनका ग्रेड पे 35,400 हो जाएगा। ये लगभग 3600 ग्रेड पे के लगभग है। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के जो क्लरिकल कैडर है, लिपिक संघ है, अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने लिपिकों को अकेला अलग थलग छोड़ दिया था। जैसे ही सारी मांगें पूरी हो गई जुलाई में, HRA वगैरह सब बढ़ गया, तो उन्होंने बोला कि लिपिक अब आप अलग जाइए, हम आपका साथ नहीं देंगे। देन उसके बाद से देखिएगा हुआ क्या, उसके बाद से हुआ ये कि लिपिक अलग से एक फेडरेशन बनाए। अब 22 अगस्त को एक दिवसीय एक हड़ताल होगी, आंदोलन होगा, और 4 सितंबर से जो छत्तीसगढ़ के क्लरिकल कैडर हैं, लिपिक हैं, वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। इनका भी लिपिक वेतन संगत या फिर ग्रेड पर बढ़ाए जाने की मेन मांग है, मुख्य मांग है।